नमस्कार बंधु, आज का इस 3 मिनट का वीडियो में बताने वाला हूँ करेले फसल का सबसे क्षति पहुँचाने वाला कीड़ा फलछेदक कीड़ा और लाल बीटल कीड़ा का डिटेल्स और उसका कंट्रोल कैसे करेंगे उसका बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद कंट्रोल करना आसानी रहेगा ये दो कीड़ा, लाल बीटल और करेले का फलछेदक कीड़ा। इस वीडियो में जितना कुछ बात किया गया है वो इंडिया का वेजिटेबल रिसर्च सेंटर IIVR वाराणसी का साइंटिस्ट का अनुसार बताया गया है। करेला फसल में भारी संख्या में क्षति पहुंचाने वाला कीड़ा है फलछेदक कीड़ा। इस फलछेदक कीड़ा का बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ये कीड़ा क्या करते हैं, फल को छेद करते हैं और इसका अंदर चले जाते हैं। कभी कभी फल को एकदम नष्ट कर देते हैं, अंदर खोखला कर देते हैं। जहाँ ये एंट्री करते हैं वहाँ बैंट आ जाते हैं, फसल बैंट होता है। तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें फलछेदक कीड़ा का अटैक हुआ है, अंदर खोखला कर देते हैं। कीड़ा का प्रभाव में फल लाल हो जाता है। इस पिक्चर में जो कीड़ा दिख रहे हैं, देखिए वही कीड़ा फल का किसी पार्ट में बैठ के वहाँ अंडा देते हैं और उस जगह बैंट हो जाता है। बैंट हो जाता है मतलब हम लोगों को समझ लेना है कि वहाँ पे कीड़ा डंक मार दिए हैं और या अंडा दे दिए हैं। इस टाइप का लार्वा होता है और फल का अंदर खा लेते हैं, फल को खोखला कर देते हैं। इसके बाद बात करेंगे फलछेदक कीड़ा का कंट्रोल का बारे में। फलछेदक कीड़ा का कंट्रोल करना उतना आसानी नहीं है। साइंटिस्ट लोग बताते हैं और किसान लोग भी इसको मान के चलते हैं कि गर्मी का समय में ज़मीन को गहरी जुताई कर देना है ताकि ज़मीन में जो सुंडी कीड़ा रहता है वो उसमें गर्मी का कारण में मर जाए। सुंडी मिट्टी का अंदर रहते हैं इसलिए गहरी जुताई करके कुछ दिन छोड़ देंगे तो इसको कंट्रोल होने का चांस रहता है। खेती शुरू करने से पहले जब पीट बना के उसमें मिट्टी तैयार करेंगे उस समय हर पीट में नीम खोल 150 ग्राम से 250 ग्राम यूज करना चाहिए हर पीट में। फसल में फलछेदक कीड़ा का अटैक शुरू हो गया है तो शुरुआती स्तर में गुड़ और मेलाथियन दवा को मिला लेना होगा। 500 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम मेलाथियन एक साथ मिला के प्लास्टिक बोतल काट के हाफ हाफ करके एकड़ में 10-12 जगह पे ये दवा दे देना होगा। इसमें पुरुष कीड़ा बैठते हैं और कीड़ा जाके खाते हैं तो मर जाते हैं। ये छोड़ के भी रोगार हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, मेलाथियन भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं फसल में तो ये कीड़ा कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाल बीटल कीड़ा के बारे में। लाल बीटल कीड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, ज़्यादातर लाल रंग का होता है और निचले साइड काला टाइप का होता है। ये शुरुआती स्तर में पत्ता को खाते हैं और धीरे धीरे पूरा पत्ता को नष्ट कर देते हैं। तो ये कीड़ा जुगनू कीड़ा नाम पे भी जाना जाता है डिफरेंट जगह पे। कीड़ा को देखिए इस हिसाब से पत्ता को खाते हैं और पत्ता को नष्ट करते हैं। तो ये 3-4 पत्ता जिस समय रहते हैं उसी समय ये कीड़ा का अटैक सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इस कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मेलाथियन और डाइमिथोएट का भी स्प्रे कर सकते हैं तो इसमें कंट्रोल अच्छा से हो जाता है। तो ये दो कीड़ा का बारे में करेला फसल में वीडियो यहीं तक है। आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। जय किसान, जय भारत।